नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। रामपुर उपचुनाव, पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू। 454 बूथों पर कल मतदान, 3.88 लाख मतदाता डालेंगे वोट। उपचुनाव में 10 उम्मीदवार मैदान हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच है। दावे दोनों ओर किए जा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने को किसी से कम नहीं बता रहे हैं। किसके दावे में कितना दम है और कौन मतदाताओं को पसंद है, इस बात का पता तो 8 दिसंबर को चलेगा, जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे। उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सोमवार को मतदान होगा। इसके लिए रविवार को मंडी समिति से पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। शाम तक पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथ पर पहुँच जाएंगी। विधानसभा क्षेत्र में 454 बूथ बनाए गए हैं। इसमें सुबह 7 बजे मतदान होगा। इस बार 3.88 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उपचुनाव में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला भाजपा और सपा के बीच है। भाजपा से आकाश सक्सेना और सपा से आजम खां के करीबी आसिम राजा मैदान में हैं। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में 14 फरवरी को मतदान हुआ था, तब सपा के आजम खान निर्वाचित हुए थे। नफरती भाषण के एक मामले में कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी खारिज कर दी गई, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 454 हमारे टोटल बूथ हैं, जिसमें 454 पार्टी रवाना होनी है। इसमें लगभग 350 के लगभग पार्टियां हमारी पूरी कंप्लीट है, जो रवाना होने की तैयारी भी कर रही हैं यहाँ से। बाकी भी जो डिकोडिंग सेंटर है, उससे सभी ने ड्यूटी प्राप्त कर ली। प्रोसेस में सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि लगभग 1.5 घंटे में सभी पार्टियाँ यहाँ से रवाना हो जाएंगी। सर, कितने बूथ बने हुए अपने? 454 टोटल हमारे बूथ हैं और 166 हमारे टोटल सेंटर्स हैं नगर विधानसभा। सर, कितना सेक्टरों में बांटा गया है रामपुर में? रामपुर को 34 सेक्टर्स में बांटा गया है और उसी हिसाब से जो हमारी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस की ड्यूटीज़ भी लगाई गई है, और ताकि सकुशल और बिना किसी बाधा के निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराई जा सके। फिर कल कितने बजे पोलिंग रहेगा, क्या व्यवस्था? 7 बजे से लेके कल संध्या 6 बजे तक पूरी पोलिंग की प्रोसेस होगी, और उसके बाद में फिर रात्रि में ही हमारी पोलिंग पार्टीज वापस यहाँ पे लौटेंगी। स्ट्रांग रूम भी मंडी परिसर में जैसा परंपरागत रूप से बनता है वहाँ बनाया गया है, और बाकी जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो 8 तारीख को सम्पन्न होगी। एक दौर की ट्रेनिंग हमारे काउंटिंग के जो पोलिंग पर्सनल्स हैं, काउंटिंग एजेंट्स हैं, उनकी सभी की हो चुकी है, और काउंटिंग के जो दूसरे चरण की ट्रेनिंग है वो भी हम 7 तारीख को करेंगे।